हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया, जो हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर 4 कवर करेंगे। लेक्चर 3 हम इसके कवर कर चुके हैं ऑलरेडी से, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम जानते हैं कल्चर मीडिया क्या है, क्यों है और क्यों होता है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों है, मतलब आज हम इसका सारा बायोडाटा कवर करेंगे कि आखिर कल्चर मीडिया होता क्या है। चलिए जानते हैं। तो कल्चर मीडिया सबसे पहले मतलब हमारा जो बेसिक, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे अब तक। हमने पिछले 2 लेक्चर में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरिया, फिर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब हम जानेंगे जो बैक्टीरिया है उसका मतलब घर क्या है, मतलब रहने की जगह, वो हमारा क्या कहलाता है कल्चर मीडिया। मतलब क्या है वो मीडिया या वो जगह, वो मीडिया, वो प्लेस, वो माध्यम जिस पे हमारा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, हमारे बैक्टीरिया का जन्म होगा, वो हमारा क्या कहलाता है कल्चर मीडिया। जैसे अगर हम एग्जांपल समझें तो हम लोगों को रहने के लिए, मतलब हमारे लिए कल्चर मीडिया क्या है, हमारा घर है जिसमें हमारी किचन है, बाथरूम है और हमारे बेड वगैरह जिसमें हम सो सकते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सब क्या है हमारे लिए, मतलब हम जिसमें हमको सूटेबल फील हो, जिसमें हमें रिलैक्स फील हो, वो हमारे क्या है कल्चर मीडिया है। उसी प्रकार ये बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया होते हैं। इसमें क्या है बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारा कल्चर मीडिया कहलाता है। इसको डेफिनेशन वाइज आप ऐसे लिख सकते हैं कि दैट मीडिया इन विच बैक्टीरिया इज बर्थ और ग्रो। कल्चर मीडिया कंटेन ऑल इसेंशियल मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो इट इन्वाइट बैक्टीरिया टू ग्रो। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के जन्म के लिए, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो ये क्या कर रहा है इन्वाइट कर रहा है। मतलब वही है ना, जब हम वहाँ पे जाते हैं किसी शादी वगैरह में तो बफर सिस्टम लगा होता है ना, तो वो क्या है हमारे खाने की सारी चीज़ें, तो वो हमको क्या एब्जॉर्ब, मतलब सॉरी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हमको इन्वाइट करता है कि आओ हमको खाओ। तो क्या है ये भी हमारा क्या है बैक्टीरिया के लिए, ये मतलब उसका खाना है, उसका फूड है, सब कुछ उसका, तो वो बैक्टीरिया को इन्वाइट करता है, तो इसमें हमारा बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब हम समझते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक बात हमने पिछले लेक्चर में जानी थी और जानते भी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, फिर भी हम आखिर इसको मतलब क्यों बनाते हैं कल्चर मीडिया, हम ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके। फ्रेंड वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, तो पूरा देखना लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। तो हम पढ़ेंगे कि वाई वी नीड कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करनी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में सारा कुछ स्टडी करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया के बारे में पता लगा सकें, अगर कभी किसी को कोई बैक्टीरिया अटैक कर सके या कोई डिसीज़ हो किसी को, तो उस बैक्टीरिया के बारे में हमको पता होगा, तभी तो हम उससे दवा बना सकते हैं। अगर हमको सबसे पहले हम किसी की अगर हमको दवा देनी है तो हमको पहले उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए ना, तो वही है कि बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसलिए हम उन बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया को बनाते हैं, फिर उन पे जब बैक्टीरिया आ जाते हैं फिर उनको हम बारे में स्टडी वगैरह करते हैं। यही हमारा क्या है कल्चर मीडिया, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत होती है फॉर मेडिकल पर्पज़, मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए हमको इसकी ज़रूरत होती है। अब बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कभी लैब वगैरह में जाएं, अभी नहीं अभी तो लॉकडाउन, लेकिन फिर भी अगर कभी भी आप बैल उसमें जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है बैक्टीरिया जो कल्चर मीडिया के बारे में, जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सारी सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर आपका लैब कोट सारा बटन बंद होना चाहिए, मास्क वगैरह अच्छे से लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया डेंजरस होते हैं, अगर आपके बॉडी पे धोखे से भी अगर टच वगैरह होगा ये बैक्टीरिया, तो आपको फिर इससे बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपको फिर शायद ये भी हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक ही खानी पड़े सारी ज़िंदगी भर इससे, मतलब इससे बचने के लिए, वरना ये बहुत नुकसान कर देगा, तो इसलिए बहुत ही सेफ्टी रखनी है बैक्टीरिया से। तो माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा काम इसमें हार्ड भी है और थोड़ा डेंजर भी, इसलिए आपको बच के रहना है थोड़ा, ठीक है फ्रेंड, प्रिकॉशन रखना है, बाकी तो सारा कुछ ईजी है। अब हम समझते हैं इसके मतलब क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया कल्चर मीडिया को। तो कल्चर मीडिया को हम 3 बेसिस पे मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा है कंसिस्टेंसी के बेस पे, दूसरा हमारा कंपोजिशन के बेस पे, तीसरा हमारा एप्लीकेशन के बेस पे। अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये आप देख लेना इजीली, मैं नोट्स ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। अब हम देखते हैं पहला हमारा क्या है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के बेस पे हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या है सॉलिड, फिर हमारा सेमी सॉलिड, फिर हमारा लिक्विड। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो इसके लिए एक हमारा जो कल्चर मीडिया बनाते हैं उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस होता है, वो होता है हमारा अगार। आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अभी तो ये सब वर्ड आपको नए नए लगते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में एंट्री करते जाएंगे ये वर्ड हमारी जान पहचान के हो जाएंगे, फिर हमको कुछ भी नया नहीं लगेगा।
तो कंसिस्टेंसी का वर्ड पहले हम समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, मतलब कोई कितना स्थिर है। और स्थिरता हम कैसे नापते हैं, जितना कोई सॉलिड होगा तो वो क्या होगा, उतना ही स्थिर होगा। मतलब कोई सॉलिड है, ये पेंसिल हमने रख दी, यहीं के यहीं टिकी रहेगी। लेकिन अगर कोई लिक्विड है, जैसे वाटर, पानी को आप यहाँ पे करोगे वो सरकता चलेगा, मतलब यहाँ पे रोल करते करते आगे बढ़ जाएगा, तो वो क्या हमारा लिक्विड है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कम है। तो अगार यहाँ पे हमारा, अगार का काम ये शुरू होता है कि अगार हमारा है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब सॉलिडिफाइंग एजेंट का हम इसको वर्ड से समझ रहे हैं, जो सॉलिड बना रहा है किसी चीज़ को, मतलब ये हमारा सॉलिड बना रहा है। तो यहाँ पे अगार, अगर हमारा सॉलिड मीडियम जो हम बनाते हैं, सॉलिड जो हमारे तीन थे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारा अगार कम से कम 1.5 से 2% तक प्रेजेंट होता है। अब 1.5 से 2% अगार प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या करता है, उस मीडियम को सॉलिड बनाता है, क्योंकि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं न्यूट्रिशन अगार। ये फ्रेंड्स आपको ये नाम, ये वाले सभी अभी अजीब लग रहे होंगे, बाद में ये नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हमारा सेमी सॉलिड में क्या है, अगार जो हमारा है वो 0.2 से 0.5, मतलब लेस देन 0.5% हमारा इसमें यूज करते हैं, तब हमारा सेमी सॉलिड बनता है। मतलब सॉलिड से तो थोड़ा कम कंसिस्टेंट है, लेकिन लिक्विड से ज़्यादा होता है ये। फिर हमारा तीसरा, जिसमें हम अगार नहीं डालते, तो वो हमारा लिक्विड, वो हमारा अब्सेंट होता है, उसमें हम अगार डालते ही नहीं है, इसलिए वो हमारा लिक्विड होता है, क्योंकि अगार है नहीं तो वो उसको मतलब कंडेंस नहीं कर रहा है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये हमारा मतलब कंसिस्टेंसी के फॉर्म बेस पे है। अब हम समझते हैं वेस्ट ऑफ कंपोजिशन। अब कंपोजिशन वर्ड से हम समझते हैं, कंपोजिशन मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, कोई कंपाउंड कितना कितना लिया है। जैसे हम अगर बनाते कोई खाने पीने की चीज़ में देखें, तो हम अगर चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, एक कटोरी अगर हम चावल लेंगे तो 2 कटोरी पानी डालेंगे उसमें। तो ये हमें कंपोजिशन है कि हमें पता है कि कोई हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं उसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, मतलब वो क्वालिटी कैसी है और उसका क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, जब हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, जो कल्चर मीडिया के लिए हमारे सब्सटेंस हैं। अब हम फ्रेंड्स आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि न्यूट्रिशनल ग्रोथ क्या क्या होते हैं, मतलब फैक्टर क्या है, और हमको कल्चर मीडिया बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बेसिकली हमें देख लेते हैं, तो एनर्जी सोर्स चाहिए हमको, कार्बन सोर्स चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स चाहिए, वाटर ग्रोथ फैक्टर चाहिए, साल चाहिए, और भी बहुत कुछ, मतलब तरह तरह के बनते हैं। अब बेस्ड ऑन कंपोजिशन भैया 2 भागों में डिवाइड, हमारे सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। अब सिंथेटिक हमारे होते हैं हाईली प्योर। हाईली प्योर कैसे हैं, इन विच वी नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब जो हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं उसमें हम कंपोजिशन जानते हैं कि कोई कंपाउंड जो हमने यूज किए हैं कल्चर मीडिया बनाने में वो कितने कितने हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे पेप्टोन वाटर है, तो पेप्टोन वाटर में क्या है, 1% पेप्टोन हमने लिया है, 0.5% NaCl लिया है, पानी में हमने इनको मिक्स करके जो हमने बनाया है एक कल्चर मीडिया, तो हमने इसमें पता है हमको कि कौन सा कंपाउंड कितना लिया है, तो ये हमारा क्या है, सिंथेटिक है और हाईली प्योर है। अब नॉन सिंथेटिक क्या है, इम्प्योर है, मतलब उसमें हमको पता नहीं है, जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ, इसको हमको पता नहीं है कि हमारा कितना ईस्ट है और क्या क्या मिलके मतलब ये फाइनली हमारा बना है पूरा, तो ये हमारे क्या है, नॉन सिंथेटिक। अगर हम एग्जांपल में समझें तो समझिए कि हमारा सेशनल होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट। अब वहीं पे टीचर आपको 5 क्वेश्चन दे दे कि बेटा ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ लो, यही 5 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड यूनिट के, ये 5 5 क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आएंगे 100%, पढ़ लो, तो आपके लिए क्या हो गया, वो प्योर सब्सटेंस हो गया, आपको पता चल गया ये क्वेश्चन आएंगे, आप वहाँ से पढ़ के ईजिली एग्जाम दे दोगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई बोल दे कि यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड ये दो आप कवर करो, इसमें से कुछ भी आपके लिए आ सकता है, तो वो आपके लिए क्या है, नॉन सिंथेटिक है, मतलब आपको पता नहीं है कि कौन कितना कंपाउंड आने वाला है यही। अब हम समझते हैं तीसरा हमारा है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के बेस पे किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन से हम मतलब क्या समझ रहे हैं, कि जो बैक्टीरिया है उसकी ज़रूरत के हिसाब से और उसके काम के हिसाब से, कोई बैक्टीरिया है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। दूसरा, बैक्टीरिया से हम क्या क्या यूज करा सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया हमको किस लिए चाहिए, हम जो कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया बनाना चाहते हैं वो हमको किस वजह से चाहिए, वो रीज़न उनकी वजह से, तो ये हमारे एप्लीकेशन है। अब समझते हैं पहला हमारा है बेसिक कल्चर मीडिया। अब बेसिक कल्चर मीडिया में हमारा सिंपल है फ्रेंड, कि इसमें सारे इसेंशियल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी रह सकता है, मतलब हम अगर एग्जांपल समझें, कोई भी हम लेट्स कर लेते हैं, हमारा एक घर है कोई भी, तो उस घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी की सारी, मतलब अब इसमें कोई भी आके रह सकता है, सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें, तो वो हमारा क्या है, बेसिक कल्चर मीडिया, मतलब इसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया वो है वो ग्रो कर सकता है, ये हमारा सिंपल है, मतलब इसे जनरल बोल सकते हैं कि जनरल कल्चर मीडिया। दूसरा हमारा है
इन रिच्ड कल्चर मीडिया। अब हम इसको फ्रेंड समझते हैं कि लेट कीजिए कि हमारा घर सिंपल है, मतलब पंखा वगैरह है, सिर्फ फैन। लेकिन अभी कोई हमारा मेहमान आया, रिश्तेदार आया, उसको क्या चाहिए? एसी चाहिए। मतलब वो एसी के बिना यहाँ पे सो नहीं सकता, रह नहीं सकता। मतलब क्या है, वो अमीर है, थोड़ा रिच है, तो उसकी डिमांड भी थोड़ी रिच वाली है। तो यही होता है इन रिच कल्चर मीडिया में कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डिमांड थोड़ी हाई होती है। मतलब उनको जो न्यूट्रिशनल चाहिए ग्रो करने के लिए, वो थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं इनरिच कल्चर मीडिया। जैसे इसमें ब्लड सीरम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ब्लड बहुत कीमती होता है ना, तो सीरम भी थोड़ा ब्लड से ही निकलता है। जो कीमती कीमती इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको चाहिए होती हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए, अमीर लोग समझ लो। हमारा तीसरा है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। अब सिलेक्टिव का मतलब हम अगर इस वर्ड से समझे, सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि कुछ कुछ कल्चर मीडिया, जैसे अब कोई आपके मेहमान रहने आए घर में, वो कहें कि हमको एसी वाला रूम चाहिए, कोई कहे हमको एसी में नींद नहीं आती, हमको सिर्फ पंखे वाला चाहिए, कोई कहे हमको टीवी वाला चाहिए, बच्चे कहे हमको टीवी वाला चाहिए, कोई कहे हमको टीवी नहीं सुननी है, हमको सिंपल चाहिए। ये क्या है, सभी लोगों की अलग अलग डिमांड है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे सिलेक्टिव कल्चर मीडिया बनाया जाता है कि जिस बैक्टीरिया को जैसी डिमांड हो उसको वैसा ही कल्चर मीडिया दिया जाता है। ये हमारा सिंपल कल्चर मीडिया बनते हैं। फिर हमारे इनरिचमेंट कल्चर मीडिया। अब इसको हम फ्रेंड समझते हैं कि इनरिचमेंट आखिर होता क्या है। तो इनरिचमेंट अगर हम सिंपली चीज में देखा जाए तो ये है कि कुछ बैक्टीरिया, जैसे हमने कोई कल्चर मीडिया बनाया लेट कीजिए, तो उस कल्चर मीडिया में जरूरी तो नहीं है कि एक ही तरह के बैक्टीरिया हैं, कभी कभी दो तीन तरह के बैक्टीरिया। जैसे हमने लेट कीजिए, ये हमने एक कल्चर मीडिया बनाया, इसमें हमने तीन तरह के इसमें हमने ए को हमें मतलब इसको ग्रो कराना है, लेकिन इसमें ऐड हो गए ए बी सी, तीन तरह के बैक्टीरिया आ गए इसमें। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ए को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एंटीबायोटिक डालेंगे जो इसको और इसको मार देंगे, मतलब इन दोनों को किल कर देंगे, इनकी ग्रोथ नहीं होने देंगे, तो हमारा जो ए वाला है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अब इसके लिए जो ए के लिए हम यहाँ पे जो मटेरियल डाल रहे थे वो बी और सी वाले भी तो खा रहे थे, बी और सी वाले भी यूज कर रहे थे ना फ्रेंड, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐसे यूज करते हैं जो बी और सी की ग्रोथ को रोक देते हैं, और हमारा ए जो है वो यहाँ पे ग्रो कर जाता है अच्छे से। यही हमारे इनरिचमेंट कल्चर मीडिया है कि जैसे खेत वगैरह में जब हम खरपतवार को हटा देते हैं ना, क्योंकि वो भी मिट्टी का यूज करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे उसको हटा रहे हैं खरपतवार की तरह, जो एक्स्ट्रा वो है ना बैक्टीरिया, उनको हम यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह दे के ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा इनरिचमेंट कल्चर के हुए। अब हम चार हमने कवर कर लिए, अब हम देखते हैं पांचवा हमारा है डिफरेंशिएबल कल्चर मीडिया। अब डिफरेंशिएबल ये मोस्टली हमारा लिक्विड मीडियम के लिए होता है, मतलब जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें लिक्विड मीडियम चाहिए, जो लिक्विड में ही ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ब्लड अगर। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ भी सॉलिड नहीं रहा फ्रेंड, लिक्विड आ गया ना, तो अब लिक्विड में हम पहचान कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक डाई का यूज करते हैं। अब मेटाबॉलिक डाई से क्या समझते हैं, डाई हमने फ्रेंड जानते हैं, डाई हमारा क्या होता है, कलर संबंधित होता है, जो कलर कर देता है किसी चीज़ को। अब मेटाबॉलिक क्या है, खाने वाली डाई, मतलब क्या है कि हम जैसे ये हमारा कोई भी, ये हमारा एक प्लेट है, तो इसमें ये बैक्टीरिया डले हुए हैं यहाँ पे। अब ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कॉलोनी अब समझते हैं, कॉलोनी क्या होता है, यहाँ पे एक एक जगह पे बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमने ये कल्चर मीडिया बनाया, हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, इधर बहुत सारे, इधर, तो हम इनको झुंड मतलब कहते हैं ग्रुप को। जैसे हम बताते हैं कि कुछ लड़के ज़्यादा खड़े हो गए, तो हम कहते हैं ये बच्चे बदमाश करने वाले बच्चों का ग्रुप है, ये पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, ये सेवन्थ क्लास का ग्रुप है, ये एट्थ क्लास का ग्रुप है। तो जब वो ग्रुप है ना, वो यहाँ पे हम बैक्टीरिया के फॉर्म में इनको हम कॉलोनी बोलते हैं कि ये हमारे ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि हम क्या करते हैं, डाई डाल देते हैं, कलरफुल मतलब सब्सटेंस है मेटाबॉलिक, इनको क्या करते हैं बैक्टीरिया खा लेते हैं, और खा के उसी रंग के हो जाते हैं। हमने रेड कलर की डाली, तो बैक्टीरिया ने जब रेड कलर की डाई खाई तो वो रेड कलर के हो गए, ग्रीन कलर के है ग्रीन कलर के हो गए। इससे क्या होगा कि वो अलग अलग जब रंग के हो जाएंगे तो हमको दूर से पहचानने में बहुत ईजी होगा, और हम कल्चर मीडिया उनके लिए फिर अलग अलग बना सकते हैं। ये हमारा है डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग कल्चर मीडिया को अलग अलग बैक्टीरिया के लिए। अब हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब फ्रेंड्स हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं किसी भी तरह से, हमने कल्चर मीडिया बनाया तो इसमें जो हमने बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कराई है, तो वो बैक्टीरिया 7 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। 7 दिन के बाद अगर हमने उस बैक्टीरिया को पकड़ के उस पर रिसर्च की, हमने स्टडी कर ली, तो ठीक है, वरना वो बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, मर जाता है। लेकिन अब अगर हमको बैक्टीरिया चाहिए हो कुछ लंबे समय के लिए, जैसे हम किसी भी मजबूरी 7 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते, हमको चाहिए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीनों बाद हमने उस पर स्टडी करनी हो, तब हम इन ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज करते हैं।
इन ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया में क्या होता है, जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, उसमें हम कुछ ऐसे डालते हैं प्रिजर्वेटिव टाइप या कुछ भी ऐसे डालते हैं जो क्या करते हैं, इनको मतलब इनकी लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं बैक्टीरिया की लाइफ को, और बैक्टीरिया हमारे 15 से 20 दिन 1 महीने तक जिंदा रहते हैं, फिर हम उन पर ईजिली स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ट्रांसपोर्ट मीडियम से भी समझे, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कुछ लॉन्ग टाइम के लिए। अब हम समझते हैं हमारा एनोरोबिक कल्चर मीडिया। अब एनोरोबिक कल्चर मीडिया क्या होता है कि एनोरोबिक वर्ड से हम समझते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वर्ड मोस्टली आता है। मतलब इसमें वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब दोज बैक्टीरिया विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं, फिर उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनको हेमिन और विटामिन के ये दे के हम उनको ईजिली ग्रो करा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, इन्होंने एक मीडियम बनाया है, तो इसमें क्या है ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होगा या फिर निगलेक्ट फॉर्म में होगा, मतलब ना के बराबरी होगा, अभी तो माइनर सा बहुत कम, वरना ऑक्सीजन होता नहीं है, और इसमें हेमिन और विटामिन के का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया एनोरोबिक कल्चर मीडिया। अब हम आखिरी एक और हमारा कल्चर मीडिया वो हमारा ऐसे मीडियम। तो ऐसे में क्या है, ये हमारा मतलब स्टडी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई कल्चर मीडिया बनाया, अब हमको उसको चेक करना है कि वो ठीक बना कि नहीं बना। हमने पहले एग्जाम पढ़ा था, हमने पहले भी सेमेस्टर में, कि ऐसे वर्ड क्या होता है, ये किसी भी जो चीज़ हमारी बन गई है उसकी कंपोजिशन को चेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कुछ भी कंपाउंड 2-3 मिल गए, तो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, कितने बराबर मिले हैं कि नहीं मिले, ठीक से मिले हैं कि नहीं मिले, मतलब कल्चर मीडिया हमारा अच्छा बना है, ठीक बना है कि नहीं बना है, इस चीज़ को ये चेक करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन सारी की सारी समझ आ गई होगी, और मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट में, जिसमें हम न्यूट्रिशनल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की क्या होती है, कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये हमने कल्चर मीडिया पढ़े, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आखिर ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो सिंपल लगी हो, समझ में आई हो, तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो इस लॉकडाउन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोज़ के लिए, हम डेली एक न्यू वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अभी यहीं पर टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।